और संदेश केने। खेल की शुरुआत होती हुई रिद्धि सिद्धि कालेर और एमएससी नागांव के बीच में ये मुकाबला शुरू होने जा रहा है। पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए आएंगे गेंदबाज प्रेम पाटिल। मजर खान आज टीम में काफी समय के बाद जुबेर भी है जिन्होंने यहाँ पर रिकॉर्ड बनाया था यही पिच के ऊपर अहमदाबाद चषक में, क्या ड्राइव किया था। देखिए जुबेर जब भी खेले कुछ ना कुछ रिकॉर्ड बनता है, बाली ट्रॉफी में उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। लोअर फुल टॉस गेंद वहां पर और सीधे बल्ले से इस गेंद को खेल दिया वहां बिलाल शेख ने स्ट्राइक को रोटेट करते हुए और खेल की शुरुआत यहां पर पहली गेंद के साथ एक रन और खाता खुलता हुआ बिलाल शेख का और रिद्धि सिद्धि कालेर का। दो रनों का पेनल्टी दिया गया है एमएससी नागांव को क्योंकि ड्रेस कंप्लीट नहीं, इसीलिए दो रनों का पेनल्टी दिया गया और दो रनों का पेनल्टी रिद्धि सिद्धि कालेर को भी दिया गया क्योंकि ट्वेल्थ मैन इस वक्त यहां पर नहीं है तो जो पेनल्टी वो अब लेवल हो चुकी है। इस बार प्रेम की ये गेंद वहां बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ वाइट, पहली गेंद लोअर फुल टॉस गेंद लेकिन इस बार ये वाइड गेंद स्कोर दो पर जा पहुंचा है। BC4 फॉर्मेट का ये मैच इस वक्त चलता हुआ, इससे पहले सिटी इमर्जिंग का मैच रहा था जहां पर पूर्वांचल स्पोर्ट्स ने बहुत ही शानदार तरीके से जीत प्राप्त की और समीर स्पोर्ट्स पिंपलगर इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई। BC4 फॉर्मेट का ये मुकाबला एक बार फिर से वहाँ पर प्रेम, इस बार देखना फुल टॉस गेंद और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस गेंद को खेल दिया कवर की दिशा में खाली क्षेत्र में गेंद जाती हुई चार रनों के लिए। जबरदस्त ऑफ स्टंपर चेंडू होता पूर्णपणे बॅटवर घेऊन एक सुंदर असा ड्राइव पाहायला मिळत आहे। गॅप मधून हा चेंडू सीमा पार संदेश केने याच्या बॅट मधून कडक शॉट आपल्याला पाहायला मिळत आहे चौकाराने। आता मात्र आपलं खातं खोलताना संदेश केने चांगली सुरुवात, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक वहां पर देखने को मिला है। फुल टॉस गेंद थी और क्या बेहतरीन तरीके से स्लाइस किया था इस गेंद को और कवर की दिशा में गेंद चार रनों से अपना खाता खोलते हुए संदेश केने और टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 6 पर। इस बार अच्छी गेंद रही वहां पर प्रेम की, ड्राइव लगाना चाहते थे इस गेंद के ऊपर लेकिन सही तरीके से मिडल नहीं कर पाए थे वहां बल्लेबाज। अगले मैच में हम प्रेम चौहान को देखेंगे एक्शन में, प्रेम चौहान तोड़फोड़ कर देने वाले बल्लेबाज। और आपको तो पता है संदेश के जब भी वो गेंदबाजी और बल्लेबाजी के लिए आते तो मैं एक ही चीज कहता हूं कि प्रेम नाम है मेरा, मैं शीशे से पत्थर को तोड़ता हूं। मात्र विकेट तोड़ावी लागे त्याला, विकेट घेणे गरजेचं आहे। समोर देखिए तितकाच महान खेळाडू आहे बिलाल शेख खेळपट्टीवर। उमेश नाईक आपण थोडा कमेंट्री बॉक्स मध्ये यायचंय। इस बार वहां पर देखना, इस बार बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेल दिया इस गेंद को, कमाल का स्ट्रोक इस बार बिलाल शेख के बल्ले से आता हुआ चार रन। बिलाल चा हा लकी ग्राउंड है, बिलाल जेव्हा जेव्हा महेंद्र स्पोर्ट संघासाठी खेळला या ग्राउंड वर तेव्हा तेव्हा त्याला आपण बरसताना बघितलं आणि आज पुन्हा एकदा श्री छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगण भादवड टेमगरपाडा ऐतिहासिक मैदानावर त्याचं आक्रमण सुरू झालंय, चौकार त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळत आहे। जी बिल्कुल, इस ग्राउंड का इस पिच का काफ़ी अनुभव है बिलाल शेख को, जिस तरह से आपने कहा कि महिंद्रा स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी वक्त तक खेल चुके हैं वो। उसी बीच वहां पर देखना स्विच हिट लगाने की कोशिश की और इस बार आउट, बड़ा विकेट गिरता हुआ और बिलाल शेख की पारी समाप्त। नक्की जाए तो विकेट में आला बिलाल शेख जबरदस्त गोलंदाजी, स्विच हिट खेलने का प्रयत्न केला होता, मिस टाइम झाला होता, सुंदर अशी झेल पाहायला मिळते। और संदेश वो मुकाबला भी कौन भूल सकता है
जब हंसिका स्पोर्ट्स और इनार बोरपाड़ा के बीच में जो मेगा फाइनल 2014-15 का जो आमदार चषक का मेगा फाइनल खेला गया था इसी ग्राउंड पर, तब भी बिलाल शेख ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी, लेकिन अपना विकेट इस वक्त गंवा दिया है। स्कोरिंग में अब मात्र झेल को नहीं पकड़ ला है, टीम के कैप्टन पप्पू भाई ने झेल पकड़ लिया अतिशय जबरदस्त, बिलाल का झेल मिला है, सेलिब्रेशन नक्की होगा आज संध्या। विश्वजीत नाइक इस वक्त स्कोरिंग में हमारे साथ जुड़ते हुए, वेलकम। बिल्कुल विश्वजीत नाइक एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज बाला जयदुर्गा स्पोर्ट्स के लिए इस वक्त खेल रहे हैं और अब हमारे कमेंट्री बॉक्स में अपनी उंगलियों का जादू बिखेरते हुए। प्रेम विकेट लेने के बाद नए बल्लेबाज सर्वेश, लोअर फुलटॉस गेंद वहां पर देखना है, वी की शक्ल में इस गेंद को खेल दिया है, अच्छी फील्डिंग वहां पर जुबैर की। तो पहले ओवर की समाप्ति और स्कोर अब तक बना है 11, एक विकेट गंवाने के बाद बिलाल शेख एक बाउंड्री लगाई और उसके बाद दूसरे गेंद के ऊपर आउट हो गए, वो 5 रन बनाकर वापस लौटे, लेकिन इस ओवर में मिला जुला खेल देखने को मिला है, एक बड़ा विकेट भी हासिल किया है गेंदबाज प्रेम ने और 12 रन खर्च किए है। मजर खान 6 षटका तो जेव सामना असतो ना, असा कोणताच खेळाडू नाही की तो लवकर आउट व्हा, मात्र बिलाल यांनी जास्त घाई केली असंच म्हणूया आपण, शॉर्टकट मध्ये धावा बनवण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याच्यामध्ये फसला गेलाय आणि बिलाल शेख आउट झाल्यानंतर धावा धावपळकर तुम्हाला पाहायला मिळतं 13। समय के बारे में भी ध्यान रखना है आपको, एमएससी नागांव टीम क्या बात है, त्रिशूल ठाकरे भी टीम में है, अच्छी टीम बनाई है पप्पू भाई ने। जी बिल्कुल, असरार अंसारी की ये बहुत ही बेहतरीन टीम हम देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे खिलाड़ी नज़र आ रहे, मेराज भी टीम में है जो बी इंडियन के लिए काफ़ी वक्त तक खेल चुकी है, और ये देखिए अबरार डीओ भी है। 12 रन पहले ओवर की समाप्ति पर, एक विकेट गंवाने के बाद रिद्धि सिद्धि कालेर, और अब गेंदबाजी में आते हुए एक और एक्सपीरियंस गेंदबाज जावेद। जावेद से देखिए हा नक्की फेवरेट ग्राउंड है, इतने जावेद से देखिए भरपूर चांगला क्रिकेट रहा है, लेजेंड क्रिकेटर गोलंदाजी मध्ये अपने पहाय मिलते। देखिए समय में थोड़ा सहयोग करना है प्लीज, गेंदबाजी की शुरुआत करनी जावेद आपको, क्योंकि इसके बाद और 2 मैचेस हमें खिलाने हैं, तो प्लीज समय में सहयोग करें। विकेट कीपर अनस प्लीज, पहली गेंद वहां पर जावेद की और पहली गेंद देखना, जोरदार अपील होती हुई और आउट, दूसरा विकेट गिरता हुआ, और इस वक्त बल्लेबाज सर्वेश आउट होकर वापस लौटते हुए पहली गेंद के ऊपर सफलता दिलाते हुए अपनी टीम को एक्सपीरियंस गेंदबाज लेजेंडरी क्रिकेटर जावेद। नक्कीच आपण या रिप्ले मध्ये पाहू शकता आपण प्लम एलवी अतिशय जबरदस्त जोरदार अपील उचलून ठेवली होती आणि नक्की पंचांच्या कोणत्याच मनामध्ये डाउट नाहीये आणि जाण्याचा आदेश इथे विकेट दुसरा विकेट मिळाला इथे, चांगली गोलंदाजी, मी अगोदरच उल्लेख केलं होतं मजर खान की गोलंदाजी खूप चांगली आहे आणि गोलंदाजी तीच पाहायला मिळते आहे। मेघनाथ केने न्यूमॅन मैदानाच्या आतमध्ये, तो बहुत ही बेहतरीन गेंद वहां पर रही है इस वक्त जावेद की, पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल किया उन्होंने, 2 विकेट गंवाने के बाद रिद्धि सिद्धि कालेर अब तक रन बने हैं 12। नए बल्लेबाज आए हैं मेघनाथ केने, जबकि संदेश केने अभी भी वहां पर मौजूद है। अब ये 2 भाइयों की जोड़ी है और ये जोड़ी ने कई मैचेस जिताए है अगोरसही को। आते ही साथ वहां पर देखना है, कॉ कॉर्नर की दिशा में खेल दिया और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए, कमाल का स्ट्रोक आता हुआ मेघनाथ केने के बल्ले से 6 रन। आलेला सुरुवात पाहायला मिळते षटकार ने करताना मेघनाथ केने, देखिए
संदेश पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल किया था गेंदबाज जावेद ने, और दूसरी गेंद क्या स्ट्रोक लगाया वहां पर बल्लेबाज ने, बिल्कुल हक्का बक्का रह गए गेंदबाज जावेद। सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 18, दो विकेट गंवाने के बाद रिद्धि सिद्धि कालेर। फिर से वहां पर देख रहे हैं, इस बार कमाल का कैच वहां पर मेराज द्वारा। काय जबरदस्त झेल पाहायला मिळाली, असं वाटत होतं की चेंडू सीमा पार जाईल। स्ट्रोक देखील तितकंच चांगलं खेळलं होतं मेघनाथ केने याने, हे आपण पाहू शकता रिप्ले मध्ये। जम्प केली होती आणि अतिशय सुंदर अशी झेल पाहायला मिळाली, जम्पिंग कॅच वहां पर समाप्त किया है मेराज ने। और ऐसे कई कैचेस उन्होंने बी इंडियन से खेलते हुए भी पकड़े हैं, लेकिन यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी और अच्छी वापसी देखने को मिली है जावेद द्वारा। एक हमारी एक तुम्हारी, जहाँ पहली गेंद के ऊपर विकेट, उसके बाद सिक्सर, फिर से विकेट, तीन विकेटें अब तक गिर चुकी है और स्कोर 18। नए बल्लेबाज जैन खान, आता कुठेतरी टार्गेट जो आहे सेट करण्याचं काम करावा लागेल, कारण की विकेट्स देखील भरपूर गेलेले आहेत। येणाऱ्या फलंदाजीमध्ये सूरज पाटील याचं येणं बाकी आहे। अतिशय सुंदर असा ड्राइव्ह पाहायला मिळतोय, चांगली फिल्डिंग त्रिशूल ठाकरे याची आपल्याला पाहायला मिळते। एक सिंगल धाव कंप्लीट, नक्कीच त्रिशूल याला टायगर या नावाने ओळखलं जातं, पडग्यातील एक जबरदस्त क्रिकेटर आहे। पडगा परिसराचा जर विचार केला, सध्या आपण पाहतो या डावखुऱ्याचा जो फलंदाज आहे तो मिड विकेट क्षेत्रामध्ये डीपमध्ये फिल्डिंग करण्यासाठी सज्ज आहे। तो बहुत ही बेहतरीन ओवर घटता हुआ ये जावेद का, दो विकेट अब तक हासिल कर चुके हैं इस बार सामना करते हुए संदेश केने। इस बार फुल टॉस गेंद वहां पर हल्के हाथों से इस गेंद को खेल दिया और तेज कदमों से रन के लिए निकले बल्लेबाज। तो अच्छी दौड़ देखने को मिलती हुई इस वक्त विकेटों के बीच में, बहुत ही तेज ये सिंगल रन पूरा किया इस गेंद के ऊपर। रिद्धि सिद्धि कालेर की अगर हम बात करें संदेश, तो इस सीजन दो सुपर ओवर खेल चुके हैं वो। मेमन ट्रॉफी में उन्होंने जगदीश इलेवन से अपना सुपर ओवर खेला था, जबकि धर्म राजा चषक में राइस बिल्डर से। ऑन साइड में इस गेंद को खेल दिया, देखना डीप में वहां खिलाड़ी मौजूद है और चुक होती हुई वन बाउंस में गेंद बाउंड्री के बाहर चार रनों के लिए। खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळाला, भरपूर पुढे निघून आले होते तिथे, हे तुम्ही रिप्लेमध्ये पाहू शकता। काऊ कॉर्नरवर चेंडू अडवण्याचा प्रयत्न नक्कीच झाला होता, मात्र चेंडू हुलपकाने देऊन गेला होता सीमापार चौकार। बिल्कुल मोनिश पाटील वहां पर मौजूद थे। तो ओवर की समाप्ति, दो ओवर की समाप्ति और स्कोर हम देखें तो 24 स्कोर यहां पर अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन तीन विकेट भी गिरे हैं संदेश। बिलाल शेख, मेघनाथ केने और सर्वेश, ये तीन बल्लेबाज आउट होकर वापस गए, लेकिन अभी भी वहां पर संदेश केने मौजूद है और जैन खान जो पहली गेंद के ऊपर एक बाउंड्री लगाई उन्होंने, और सूरज कहना बाकी अभी। नक्कीच संदेश केने याचा भरपूर चांगला परफॉर्मन्स राहिले चालू हंगामामध्ये। सर्वप्रथम मी त्याला अंपर्स ट्रॉफीमध्ये बघितलं होतं सरोली ऐतिहासिक मैदानावर, आणि त्यानंतर बी आर पी एलमध्ये त्याची यादगार इनिंग मी देखील बघितली होती, आणि आज तीच इनिंग पेश करतोय का पाहूया आपण। ग्रामीण गटाला तर नंबर वनच आहे, आता सिटी फोर म्हणजे बी सी फोर फॉर्मेट जो क्रिकेट आहे सिटीचं, त्याच्यामध्ये देखील अव्वल दर्जाचं काम राहिलं आहे संदेश केनियाचं, आणि जेव्हा जेव्हा मातीची विकेट असतो तेव्हा तेव्हा त्याचा परफॉर्मन्स बघण्यासारखा असतो मजर खान। जी बिल्कुल, और एक बार फिर से उसी तरह की बल्लेबाजी की जरूरत भी यहाँ पर रिद्धि सिद्धि कालेर को, क्योंकि तीन विकेट गिर चुकी है। ओवर नंबर तीन का खेल शुरू होने जा रहा है और एक बार फिर से गेंदबाजी में प्रेम को ही बुलाया गया है। दोनों गेंदबाजों ने 12-12 रन खर्च किए। प्रेम अपना दूसरा ओवर लेकर आते हुए,
पहली गेंद वहां पर प्रेम की इनफील्ड के ऊपर से इस गेंद को खेल दिया और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर चार रनों के लिए। लोअर फुल टॉस गेंद थी और क्या खूबसूरत तरीके से वहां पर इनफील्ड के ऊपर से इस गेंद को कवर की दिशा में खेल दिया चार रनों के लिए। जबरदस्त क्लासिकल स्ट्रोक पाल में संदेश केने मैन फ्रॉम गुरसई आता मात्र कुठेतरी आपले हात खोलताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे। त्रिशूल ठाकरेकर भरपूर संधी कमी होती आणि त्याचा फायदा इनफील्डच्या वरतून हा क्लासिकल चौकार पाहायला मिळत आहे। जी बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत बाउंड्री लगाई वहां पर, दिमाग की बत्ती जलाकर इस वक्त बल्लेबाजी की जा रही है। अगर कोई और बल्लेबाज रहता तो फिर फुल टॉस गेंद को वो हवा में खेल बैठता, लेकिन यहां पर तारीफ करना होगी बल्लेबाज की, गैप में इस गेंद को ढकेल दिया था चार रन इस गेंद के ऊपर। स्कोर अब 28-28 पर, तीसरे ओवर की पहली गेंद और चार रन बटोरे बल्लेबाज ने। अच्छा क्रिकेट देखने को मिलता हुआ। एक बार फिर से वहां पर देखना है, नीचे बैकलिप से इस गेंद को कवर की दिशा में ढकेल दिया है, देखना असरार वहां पर मौजूद है। और यह गेंद भी 1-2 का 4 इस बार, भले ही संदेश फीफा वर्ल्ड कप खत्म हो गया लेकिन अभी भी यहां पर वर्ल्ड कप खत्म नहीं हुआ है। पैरों से रोकने की कोशिश की गेंद को, लगातार दो गेंदों पर दो बाउंड्री। नक्की जब पाहू शकता पर रिप्ले मध्ये प्रयत्न खूप चांगले झाले, टीमचे कॅप्टन होते पप्पू भाई तिथे, मात्र चेंडू अडवता आला नाहीये, चेंडू सीमापार चौकार पायाने अडवण्याचा जो प्रयत्न केला होता तिथे कुठेतरी थोडंसं निराश देखील झालं होतं। त्रिशूल आणि चेंडू सीमापार आपल्याला पाहायला मिळालं। धावा धावपलकावर लागलेल्या आहेत, 32 धावा धावपलकावर 32। तो बहुत ही बेहतरीन पारी इस वक्त खेलते हुए संदेश केने, इस बार देखना है छोड़ दिया इस गेंद को और गलत फैसला वहां पर, क्योंकि गेंद की लाइन को कहीं ना कहीं मिस कर बैठे। अच्छी वापसी वहां पर देखने को मिलती है इस वक्त प्रेम द्वारा, लगातार दो गेंदों पर दो बाउंड्री और इस बार डॉट गेंद, इसको रुका हुआ है अभी भी, तीन विकेट गंवाने के बाद 32। रिद्धि सिद्धि कालेर और एमएससी नागव के बीच में ये मुकाबला चलता हुआ, इस बार कट कर दिया इस गेंद को, देखना है वहां पर अब्राडियो गेंद का पीछा करते हुए, लेकिन नहीं रोक पाएंगे इस गेंद को, ये गेंद भी बाउंड्री के बाहर चार रनों के लिए। क्या कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिल रही है संदेश। नक्कीच मी म्हणेल की डोक्यावर बर्फ ठेवून फलंदाजी केली जात आहे, समजदारी यालाच म्हटलं जातं मित्रांनो। जेव्हा क्लासिकल ड्राइव आणि प्रत्येकी स्ट्रोक मागे क्लास झलकताना आपल्या पाहायचे संदेश की याच्या माध्यमातून चांगली फलंदाजी तुम्हाला पाहायला मिळते। अठारह धावांवर खेळत आहे खेळपट्टीवर, चार बाउंड्री अब तक लगा चुकी है संदेश केने, कमाल की बल्लेबाजी करते हुए। इस बार वहां पर देखना है गेंद की लाइन में आकर इस गेंद को टर्न कर दिया ऑन साइड की दिशा में, एक रन पूरा किया तेज कदमों से, वहां पर दूसरे रन के लिए पलट चुकी है और वो भी पूरा करते हुए। रनिंग बिटवीन द विकेट देखिए आप, कॉलिंग देखिए कितनी बेहतरीन देखने को मिली, जैसे देखा कि डीप से खिलाड़ी आ रहे, कदमों को तेज किया और सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया। इससे अच्छा तो उनकी फिटनेस है, मजबूत काठी के बल्लेबाज है, ऐसे लग ही नहीं रहा था कि दो रन कंप्लीट करेंगे, लेकिन क्या बात है संदेश केने एक अहम पारी खेलते हुए, खराब गेंदों के ऊपर बाउंड्री लगा रहे और जैसी अच्छी गेंद मिल रही थी उस पर सिंगल निकाल रहे और सिंगल को फिर डबल में कन्वर्ट भी कर रहे बल्लेबाज, लेकिन इस बार ये खराब गेंद वहां पर और बीमर गेंद, इस बार बाउंड्री नहीं बल्कि सिक्सर लगा दिया वहां पर संदेश केने ने। अब यहां पर गेंदबाज की गलती है क्योंकि ये बीमर गेंद खराब गेंद, लेकिन भरपूर समाचार लिया वहां पर बल्लेबाज संदेश केने ने, छह रन इस गेंद के ऊपर। क्या बात है, अपना रिप्ले मध्ये पाहू शकता जसं चेंडू होतं तसं उत्तर देखील पाहायला मिळाला संदेश केने याच्या माध्यमातून। जी बिल्कुल, अगर आप गलती करेंगे तो फिर सजा आपको मिलनी है, खराब गेंद थी, पनिश किया था वहां पर इस बार बल्लेबाज संदेश केने ने। फिर से इस बार देखने फोर्सिंग स्ट्रोक लगाया है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है लेकिन फ्री हिट गेंद ये, तो कुछ भी अब ठीक नहीं हो रहा है एमएससी नागाव के लिए। नक्कीच विकेट मिळाला होता मात्र तो फ्री हिटचा चेंडू होता आणि पुरेपूर नक्कीच फ्लेवरला जाताना संदेश केने याच्या धावा धावपलकावर आपण पाहतोय 46 धावा 3 विकेट्स गमवलेले आहेत, चांगला क्रिकेट संदेश केने याच्या माध्यमातून। जैन खान देखील त्याला साथ देताना आपण पाहतोय, 5 धावांवर खेळत आहे, 27 धावा आतापर्यंत संदेश केने याच्या बॅटमधून निघालेल्या आहेत। 3 षटकाची समाप्ती झाली आहे,
पानी में तेने छत पर देखी हूं ज्यादा ना पाटिल। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। खर्च की है। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। दो ओवर में कुल मिलाकर 34 रन खर्च किए है गेंदबाज प्रेम ने। और ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। इसके बाद जो होने ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। कैप्टन आपको टॉस बॉक्स से जुड़ना है, एक और बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत। मुकाबला खेलने जा रही है जय दुर्गा बी और दो दो हाथ इस वक्त लेने जा रही है। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। एक तरफ जॉय कुमार में हम देखेंगे करिश मात्र। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल। अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा वो भी, लेकिन ये मुकाबले की हम बात करेंगे। इस मुकाबले की तरफ हम बढ़ते जहाँ पर संदेश के ने एक कमाल की पारी खेलते हुए, और अब गेंदबाजी में कौन आया, जुबेर। जुबेर याच्या नावावर देखील अनेक रेकॉर्ड आहेत या मैदानावर, ते देखील तुला माहिती आहेत मजर। जी बिल्कुल, मुझको सब कुछ पता है, लेकिन गेंदबाज गेंदबाजी के लिए अगर उनका रिकॉर्ड बता दे तो फिर उनका जो मनोबल है वो कम हो जाता है, तो वो रिकॉर्ड अभी हम नहीं बताएंगे। और पहली गेंद वहां पर जुबेर की, बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ ये गेंद और वाइड गेंद के साथ ओवर की शुरुआत। वाइट चेंडू ने शुरुआत के लिए जुबेर ने। इस बार सीधे बल्ले से खेल दिया इस गेंद को और कोई मौका नहीं वहां पर, गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर इस वक्त, स्वर्गीय श्याम नायक गैलरी में गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। अपन ये पाहू शकता स्ट्रेट ड्राइव स्टैंड एंड डिलीवर मैक्सिमम सिक्स, संदेश केनियाच्या बॅट मधून हा षटकार तुम्हाला पाहायला मिळतोय। स्वर्गीय श्याम नायक गॅलरीला सलामी देणारा षटकार तुम्हाला पाहायला मिळतोय। जुबेर याच्यावर अटॅक, मजर खान। जी बिल्कुल, यहाँ पर पहली गेंद बहुत ज़्यादा बाहर थी, वाइड गेंद थी, और लेकिन दूसरी जो गेंद थी बिल्कुल बल्लेबाज के सामने, लेकिन क्या गजब का स्ट्रोक लगाया वहाँ पर संदेश केने ने। संदेश केने इस वक्त कितने पर बल्लेबाजी कर रहे, अब तक अपनी इनिंग में 5 बाउंड्री और 2 सिक्सर लगा चुके और कुल मिलाकर 33 पर बल्लेबाजी करते हुए। चार बाउंड्री लगाई है संदेश ने। फिर से वहां पर देखना ये गेंद, लगातार कहीं ना कहीं बचने की कोशिश की जा रही है संदेश। बल्लेबाज के बहुत ज्यादा बाहर की तरफ गेंदे रख रहे हैं, लेकिन अपने पैरों पर कुलाड़ी मार रहे वहां पर जुबेर। नक्कीच वाइट नहीं तर विकेट टू विकेट गोलंदाजी करावी लगे। इस बार अच्छी गेंद इस बार रही वहां पर, और देखना है इस बार सिंगल रन पूरा करते हुए, लेकिन थोड़ा सा फंबल और क्या दूसरा रन मुकम्मल नहीं, बिल्कुल आउट वहां पर, दूसरे रन की चाह में अपना विकेट गवा दिया संदेश केने ने। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन सिंगल को एक बार फिर से डबल में कन्वर्ट करने के लिए गए और अपना विकेट गवाते हुए। मजर खान नक्कीच अपन रिप्ले मध्ये बीटीसी च्या माध्यमातून पाहू शकता, काही गरज नसताना दुसरा धाव घेण्याचा प्रयत्न केला तिथे संदेश केने आणि विकेट नक्कीच गमवलंय आपलं, या पर रिप्ले मध्ये पाहू शकता। अतिशय सुंदर असा निर्णय पाहायला मिळाला पंचांच्या माध्यमातून, कारण की बॅट जी आहे हवेमध्ये भरपूर वेल होती। लाइबिलिका जबरदस्त तुम्हाला पाहायला मिळते बीटीसीच्या माध्यमातून। जी बिल्कुल, यहाँ पर बीटीसी की भी तारीफ करना होंगी, जिस तरह से पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने लाइव दिखाया है। रोहन तरे बीटीसी के ओनर, हालांकि खुद एक बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर रह चुके हैं, और अभी जो TDPL समाप्त हो उसमें भी वो खेल चुके हैं। नक्कीच चांगला क्रिकेटर आहे सूरज पाटील, मैदानाच्या आतमध्ये या सिच्युएशन मध्ये पाठवला आहे, आणि या सिच्युएशन मध्ये तुला देखील माहिती आहे मजर की भरपूर घातक फलंदाज आहे सूरज पाटील। जी बिल्कुल, बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज इस स्थिति के। संदेश के ने आउट होकर वापस गए और स्कोर अब तक बना है 50-55।
सूरज पाटिल नए बल्लेबाज सामना करते हुए जुबैर का। जुबैर की ये गेंद वहां पर फुल टॉस गेंद और गेंद जाएंगी डीप 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 मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। अपन रिप्ले मध्ये पाहू शकता फुलर लाइन चा चेंडू होता आणि असा चेंडू तुम्ही सूरजला नाही करू शकत। पुरेपूर फायदा घेताना आणि षटकाराने आपला खाता खोलताना आपल्याला पाहायला मिळतोय सूरज पाटील मॅन फ्रॉम खारबाव ऑन फायर पहिल्या चेंडूवर। पहिली गेंद के ऊपर सिक्सर से खाता खोलते हुए सूरज पाटील। फिर से क्या फिर से जाएंगी ये गेंद भी बाउंड्री के बाहर। इस बार डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से बैक टू बैक दो गेंदों पर दो सिक्सर आते हुए। असं वाटतं की दुपारचं भोजन भरपूर मजबूत केलेलं आहे सूरज पाटील यांनी मजबूत फटकेबाजीला सुरुवात झाली आहे। बॅक टू बॅक दोन मॅक्सिमम सिक्स तुम्हाला पाहायला मिळत आहेत जुबेरच्या अगेन्स्ट सूरज पाटील मॅन फ्रॉम खारबाव। देखिए सूरज पाटिल एक ऐसे बल्लेबाज है चाहे फिर दोपहर का वक्त हो शाम का हो या फिर सुबह का हो हर वक्त ये अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और ये दिखा रहे भी जिस तरह से यहाँ पर लगातार दो गेंदों पर दो सिक्सर और इस बार देखना है लेफ्ट स्विंग लगाने की कोशिश और तीन पर तीन ठोक डाले। जुबेर करे तो क्या करे तीन चेंडू मध्ये तीन षटकार बाहुबली आप खारबाव आणि दाखवून दिलं आहे सूरज याने मजबूत काठी के बल्लेबाज का म्हणतात त्याचा उदाहरणार्थ तुम्हाला पाहायला मिळते तीन चेंडू तीन षटकार 73। फिर से इस बार तो काफी दूर कॉ कॉर्नर के ऊपर से यह गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। लगातार चार गेंदों पर चार सिक्सर और इस ओवर में अब तक 5 सिक्सर। क्या बात है अतिशय जबरदस्त फटकेबाजी पाहायला मिळते तब्बल 5 षटकार खर्च झाले या षटकामध्ये। जुबेर किती धावा खर्च केले आमचे एक्सपर्ट्स करून आम्हाला नक्कीच सांगतील। देखिए अब मैं वो रिकॉर्ड बताता हूँ कि इस ओवर में अब तक 5 सिक्सर लग चुकी है और 33 रन खर्च किए लेकिन बाली ट्रॉफी 2020 में जब गेंदबाजी के लिए आए थे तो नवाब स्पोर्ट्स के बाजिर शेख ने 7 पर 7 मारे थे उसमें एक नो बॉल भी थी। याचा अर्थ है कि इथं कमी दिले असा नहीं ते होईलच कारण सूरज आहे खेळपट्टीवर। जुबेर जब भी आते कुछ ना कुछ रिकॉर्ड बनाकर जाते है। रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए रिकॉर्ड बनवेल का 6 चेंडूमध्ये 6 षटकार येतील का पाहायला आपल्याला कारण की सूरज पाटीलचं अलगच अंदाज पाहायला मिळतोय। बबलू नए गेंदबाज सामना करेंगे जैन खान। पहली गेंद वहां पर अच्छी गेंद के साथ ओवर की शुरुआत की है ऑन साइड में इस गेंद को ढकेल दिया वहां पर जैन खान ने। जैन खान का काम सिर्फ ये है कि बल्लेबाजों को स्ट्राइक देना है क्योंकि हम ज़्यादातर जैन खान को बल्लेबाजी के लिए जानते हैं लेकिन इस वक्त सभी बल्लेबाजों के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप बना रहे वो। बबलू इस बार सामना करते हुए सूरज एक और अच्छी गेंद वहां पर यॉर्कर लेंथ की ये गेंद रही थी और अपने आप को बचाते हुए खेला वहां पर बल्लेबाज सूरज पाटिल ने। एक चांगले फलंदाजाला असले अशा प्रकारचा हा चेंडू टाकलाय ना नक्कीच यादगार चेंडू असेल सूरज पाटिल याचा कारण की हा यॉर्कर चेंडू होता पूर्णपणे त्याच्या देखील धाव कंप्लीट केली जाते। 81 रन ओवर नंबर 5 का ये खेल चलता हुआ और अच्छा टारगेट अब तक बन चुका है स्कोर। इस बार बहुत ज्यादा दूर से इस गेंद को खेला है वहां पर देखना है गैप में गेंद जाती हुई जावेद गेंद का पीछा करते हुए लेकिन नहीं रोक पाएंगे इस गेंद को 4 रनों के लिए गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई।
गेंद तो बहुत अच्छी थी वहां पर, और स्ट्रोक जो लगाया था बल्लेबाज ने, बल्ले का भारी सिरा लगा, लेकिन वहां पर जावेद और असरार अंसारी वहां पर मौजूद थे। हालांकि अच्छी कोशिश दोनों की, लेकिन गेंद बाउंड्री के बाहर चले गई है थर्ड मैन की दिशा में 4 रनों के लिए। इस बार देखना है स्लॉग किया इस गेंद को, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, और यह गेंद भी देखना है बाउंड्री के बाहर, क्या इशारा आता है वहां से एम्पायर्स का, यह देखना होगा। लेकिन बड़ा स्ट्रोक तो जरूर आया है, 1 बाउंस में गेंद बाउंड्री के बाहर गई है 4 रनों के लिए। जैन खान भी अब अपने हाथों को खोलते हुए, लेकिन इस बार देखना है बबलू की यह गेंद वाइट, बहुत ज्यादा बाहर की तरफ, बल्लेबाज से बचने की कोशिश, लेकिन ये सही तरीका नहीं है बल्लेबाज से बचने का। बल्लेबाज से बचना है तो फिर बल्लेबाज की कमजोरी पर गेंदबाजी करनी होगी। स्कोर 92-91, एक अच्छा स्कोर अब तक बन चुका है रिद्धि सिद्धि कालेर के लिए। हालांकि शुरुआत हमने देखी कि उतनी बेहतर नहीं हुई थी, बिलाल शेख 5 रन बनाकर आउट हुए थे, लेकिन उसके बाद पलट कर वार किया रिद्धि सिद्धि कालेर के बल्लेबाजों ने, और इसी बीच वहां पर इस बार सीधे बल्ले से खेल लिया। देखना है वहां पर इस बार कमाल का कैच प्रेम द्वारा, जैन खान की पारी यहां समाप्त होती हुई, रनिंग कैच समाप्त किया वहां पर प्रेम ने। नए बल्लेबाज जीत पाटिल, जीत पाटिल नए बल्लेबाज बबलू, विकेट लेने के बाद नए बल्लेबाज सामना करते हुए आते ही साथ वहां पर फुल टॉस गेंद, और ये गेंद जाएंगी मिड विकेट के ऊपर से 1 बाउंस में 4 रनों के लिए। आपण रिप्ले मध्ये पाहू शकता, आपण भरपूर गॅप भरपूर मोठा होता, आणि नक्कीच हा चेंडू जो आहे सीमा पार पाहायला मिळतो। पंचांच्याकडून 4 धावाचा इशारा आलेला आहे। पंच्याण्णव धावा धावपलकावर हे स्कोरिंग नक्कीच तुम्हाला पाहायला मिळेल इथे रिद्धी सिद्धी कालेर टीम संघाच्या माध्यमातून। लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए अब अकील आते हुए, उसी बीच वहां पर देखना है पहली गेंद अकील की, और पहली गेंद के ऊपर सिक्सर। इस सीजन की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट जो स्कोर है वो शिवास स्पोर्ट्स का 136 रन। नक्की जानी असं वाटतं की ज्या प्रकारची फटकेबाजी करते मैदानाच्या आत मध्ये हा रेकॉर्ड नक्कीच कुठेतरी तोडण्याच्या मार्गावर आहे, कारण की आतापर्यंत धावा धावपलकावर लागलेले आहेत 101 धावा। लास्ट ओवर की पहली गेंद, और एक बार फिर से गेंद बाउंड्री के बाहर चले गई है 6 रनों के लिए। पाहूया आपला अर्धशतक जो आहे झलकवेल का सूरज पाटील, कारण की आतापर्यंत 31 धावा धावपलकावर लावलेले आहेत त्याने स्वतःच्या, चांगली फटकेबाजी। फिर से इस बार स्लॉग कर दिया, और ये गेंद भी जा रही है कहीं दूर जाकर गिरती हुई 6 रनों के लिए। अपनी इनिंग का अब तक 6ठा सिक्सर लगाते हुए सूरज पाटिल, हा षटकार बघण्यासारखा आहे, घुटना टेक सिक्सर देख, वाकई में कमाल का स्ट्रोक इस बार लगाया वहां पर सूरज ने।
ऑफ स्टंप का चेंडू जवळजवळ व्हाइट पट्टी बाहेर चालला होता आणि सूरज पाटील या नावाचा वादल खेळपट्टीवर तुम्हाला पाहायला मिळतोय। षटकाराने डील सुरू आहे मैदानाच्या आतमध्ये। जो गेंदबाज आ रहा है वो खा रहा है। अखिल देखील आता थोडेस विचारत पडला आहे की टाकायचं तरी कुठे चेंडू। हालांकि अखिल एक अच्छे बैट्समैन है, आपको पता ही होगा कि इसी ग्राउंड पर जयदुर्गा स्पोर्ट्स के सामने एक बहुत ही अहम पारी खेली थी उन्होंने एफसीसी से खेलते हुए। नक्की आज ही मला आठवण आहे, वन मैन आर्मी अखिल ने एकठाने नक्की जयदुर्गा संघाला पराभूत केला होता, तो अखिल आहे। हा फिर से ये गेंद भी कहीं दूर जाकर गिरेंगी कॉ कॉर्नर के ऊपर से, देखते रह गए वहां पर मेराज और गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। क्या बात है, मूड बनवला आहे या फलंदाजाने, शब्द कमी पडलेले आहेत सध्या तरी मजर खान। बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी संदेश केने ने बल्लेबाजी की और अब सूरज कितने पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 43 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। फोर्टी नाइन पर अब इस वक्त सूरज। क्या बात है, रनों की लूटमार मची हुई है। वजीर खान शब्द कमी पड़ लिया था परंतु जी बिल्कुल शब्द कम पड़ गए, निशब्द बल्लेबाजी। 4 गेंदों पर 4 सिक्सर 49 पर इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए। बिलाल शेख सोच रहे होंगे कि मैं क्यों जल्दी आउट हो गया। फिर से इस बार देखना है ऊंचाई ज्यादा है लंबाई कम, गेंद के नीचे खिलाड़ी आते हुए लेकिन ये गेंद भी बाउंड्री के बाहर, अर्धशतक 10 गेंदों में अर्धशतक। अगर हम BC4 फॉर्मेट की बात करें तो सबसे तेज अर्धशतक दानिश काजी का है, लेकिन ये जो अर्धशतक लगाया है सूरज ने ये 10 गेंदों में अर्धशतक। इस सीजन का जो फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड था वो भी टूट चुका है वैभव पाटिल का था इससे पहले और अब सूरज पाटिल का। क्या बात है, वैभव पाटीलचा रेकॉर्ड नक्कीच तोडला गेला आहे सूरज पाटील याच्या माध्यमातून। फास्टर 50चा जो रेकॉर्ड होता ना तो मोडीत काढलेला आहे, अजून एक 6 पे 6 ठोक डाले। अब अखिल भी उन गेंदबाजों में शामिल हो गए। सहा चेंडू मध्ये 6 षटकार खाण्यामची जी लिस्ट आहे ना त्या लिस्ट मध्ये आलेली आहेत असंच म्हणू शकता आपण। असे भरपूर गोलंदाज आहेत ज्याने 6 चेंडूमध्ये 6 षटकार खाल्ले आहेत जी बिल्कुल, लेकिन MSC नायगाव में 2 है, एक जुबेर और अब अखिल हो गए। टारगेट जो है 132 का टारगेट है। नक्कीच मोठा आव्हान ठेवलेला आहे, आपण टॉस करणार आहोत दोन्ही संघामध्ये, जिथे टीमचे कॅप्टन जयदुर्गा बी टीमचे कॅप्टन आणि जयकुमार टीमचे कॅप्टन देखील सज्ज आहेत। जाऊया आपण स्वर्गीय बलिराम रामचंद्र गुळवी टॉस बॉक्समध्ये, जिथे प्रमुख पाहुणे उपस्थित असतील त्या टॉस बॉक्समध्ये। नक्कीच मजर आपण शॉर्टकट मध्ये टॉस बॉक्स मध्ये आपण नक्कीच कमेंट्स नक्कीच घ्यायचे, फक्त टॉस कोणी जिंकले फक्त बघायचे। ओके मी विनंती करतोय विजय पाटील आपण आपल्या शुभाचे टॉस करण्यासाठी जायचं आणि कैलाश नाईक अनिल तरे उपस्थित झालेले आहेत। अनिल तरे आपण विजय पाटील यांच्या सोबत टॉस बॉक्स मध्ये टॉस करण्यासाठी जायचंय। जॉयकुमार टीमचे कॅप्टन, चला टॉस करण्यासाठी यायचंय। जॉयकुमार टेमगर टीमचे कॅप्टन, शेवटचा ऑफिशियल कॉल आहे, आपण टॉस करण्यासाठी यायचंय, कारण की आमचे प्रमुख पाहुणे आणि जयदुर्गा बी टीमचे कॅप्टन विशाल भोईर टॉस बॉक्समध्ये आहेत। जॉयकुमार के कॅप्टन टॉस के लिए आना है आपको। आइए दोनों कैप्टन इस वक्त आ चुके हैं, जयदुर्गा बी के और जॉय कुमार को इस वक्त हमारे टॉस बॉक्स में एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज विजय पाटिल मौजूद है। ये कॉइन दिखा दो, एक तरफ है DJ दीपेश और दूसरी तरफ है भाविक मंडप डेकोरेटर अभिनव मन्यु तरे।
भाविक मंडप डेकोरेटर कहना यहाँ पर, और आया है डीजे दीपेश। खूब खूब धन्यवाद विजय पाटिल। तो टॉस को जीता है इस वक्त जय दुर्गा, बी के कैप्टन ने टॉस जीता है, क्या करना जा रहे हो? फील्डिंग। इस मुकाबले के तुरंत ही बाद आपको फील्डिंग लगानी होगी। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। धन्यवाद मजर खान। मित्रों मोठा आव्हान ठेवलेला आहे, यानंतरचा टॉस देखील झालेला आहे, नक्कीच आपल्याकडे वेल कमी आहे, तर मी विनंती करते रिद्धी सिद्धी काल्लेर या संघाला की आपण आपला क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं। ये पहा मित्रांनो, लक्ष द्यायचं, उद्या ठीक दुसरा सामना असेल तो म्हणजे मॅगी इलेवन आणि पॉइंट स्पोर्ट। मॅगी इलेवन टीमचे कॅप्टन आणि पॉइंट स्पोर्ट टीमचे कॅप्टन, लक्ष असू द्या, उद्या तुमचा दुसरा सामना आहे आणि आपण वेळेवर पोहोचायचं आहे। भरपूर मोठं आव्हान ठेवलेलं आहे, आमचे एक्सपर्ट्स कोडर सांगत आहेत की 132 धाबा बनवायचे आहेत आणि हा आव्हान पूर्ण करण्याकरिता पहिल्या चेंडूपासून आक्रमण करावा लागेल एम एस सी नायगाव या संघाला। मित्रांनो नक्कीच सूरज पाटील याने आज रेकॉर्ड ब्रेक केला आहे, वैभव पाटील याचा रेकॉर्ड जो आहे मोडीत काढलेला आहे। फास्ट एट 50 चा विचार केला, 11 चेंडूमध्ये वैभव पाटील याच्या नावावर होतं आणि आज सूरज याने जो रेकॉर्ड आहे तो तोडलेला आहे, कारण की 10 चेंडूमध्ये त्याने अर्धशतक झळकवलेलं आहे। नक्कीच यूट्यूबच्या माध्यमातून वाईस साहेब आणि सिद्दीक भाभी सर देखील मॅचचा आनंद घेत होता आणि नक्कीच अभिनंदन केलेलं आहे सूरज पाटील याचं की त्याने नक्कीच एक रेकॉर्ड बनवलेला आहे। बी सी फोर फॉर्मॅट मित्रांनो इंडियाचा नंबर वन फॉर्मॅट आहे आणि त्याचे अध्यक्ष आहेत अमोल पाटील आणि माझे अध्यक्ष अल्ताफ बाली, जितू मानेरकर, भरपूर असे आहेत, मात्र सर्वांनी भरपूर चांगला फॉर्मॅट बनवलं आहे यावर्षी। क्या बात है, आज रिद्धी सिद्धी काले टीम मध्ये यंग स्टार खेळाडू देखील तुम्हाला पाहायला मिळत आहे ना, खेळाडूंची उपस्थिती नाही म्हणून नक्कीच। खेळाडू कक्षामध्ये फक्त खेळाडूने बसायचं आहे, लक्ष असू द्या, डगआउट में खाली प्लेयर बैठने, बाकी को वहां से निकलना है, स्टैंड में बैठना है। आमचे स्कोरर राकेश भुईर आमच्यासोबत जॉईंट होत आहेत कॉमेंटरी बॉक्समध्ये, आपलं हार्दिक स्वागत आहे। सलामीची जोडी अनस आपण पाहतोय, मोनिश, दोन खेळाडू खेळपट्टीवर आलेले आहेत। पहिल्या चेंडू ऑन साईडला आपण पाहतोय, शतरक्षक आहे तिथे, फिल्डिंग चांगली, एक फक्त सिंगल धाव इथे मिळते। उमेश तरे रेकॉर्ड ब्रेक गोलंदाज आहे, हा देखील 6 चेंडूमध्ये 6 विकेट सिटी इमर्जिंगच्या माध्यमातून त्याने घेतले होते आणि सध्या नंबर वन फॉर्मॅटमध्ये खेळताना, बी सी फोर फॉर्मॅट खेळताना उमेश तरे मॅन फ्रॉम खारबाव, राईट ऑफ द विकेट। हा चेंडू ऑफ स्टंपवर होता, मिस टाइम झाला आहे, बिलाल चेंडू खाली आला आहे, अतिशय सुंदर शिक्या झेल इथं पाहायला मिळतो आणि पहिला विकेट प्राप्त करताना उमेश तरे। तो विकेट यहां पर गिरता हुआ और बल्लेबाज मोनिश इस वक्त वापस लौटते हुए, दूसरी गेंद के ऊपर विकेट यहां गिरा है। हालांकि अच्छी शुरुआत चाहिए थी यहां पर एमएससी नायगा को, एक फ्लाइंग स्टार्ट
चाहिए था, लेकिन दूसरी गेंद के ऊपर विकेट गिरा है और नए बल्लेबाज अब असरार अंसारी टीम के कैप्टन। असरार याला एक चांगली यादगार इनिंग पेश करावी लागेल आणि मी म्हणेल की 6 षटकापर्यंत खेळपट्टी टिकावा लागेल, 132 धावा बनवायचे आहेत, नक्कीच प्रयत्न चांगले करावे लागतील। आज मला वाटतं बिलाल देखील गोलंदाजी करेल, कारण की धावा जास्त आहेत, बिलालचं देखील रेकॉर्ड आहे या ग्राउंडवर। जेव्हा जेव्हा एजी स्पोर्ट निंबवली असो किंवा महेंद्र स्पोर्ट संघामध्ये खेळताना अनेक वर्ष आपण त्याला बघितलं, गोलंदाजी देखील करताना बघितलं आपण आणि फलंदाजी खास करून आसिका स्पोर्टमध्ये देखील भरपूर वर्ष खेळला बिलाल। बिलालने भिवंडीचा सर्व प्राईज जो आहे नक्कीच जास्तीत जास्त पटकवण्याचं काम केलं। बाईक जेव्हा नक्कीच भिवंडीमध्ये असेल तेव्हा बिलाल याचा फॉर्म जबरदस्त असायचा, मात्र यावेळेस क्षेत्ररक्षक आहे, वारंवार त्याच क्षेत्रामध्ये खेळला जातं, स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये चांगली फिल्डिंग पाहायला मिळते। सिंगल धाव, धावसंख्या धावपलकावर 2 लागलेली आहे। गोल्डन फिंगर ऑफ टेमगरपाडा राकेश भोईर स्कोरिंगचं काम करताना, राईट आर्म ओव्हर द विकेट उमेश, चांगली गोलंदाजी। हो हो अतिशय सुरेखा, हलकासा लेग ब्रेक होताना आपण बघितला। नेक्स्ट मॅच मित्रांनो हा हाय स्कोरिंगचा सामना आहे, यानंतर बिग मॅच, चांगला सामना नक्कीच पाहायला मिळेल। हा चेंडू जो आहे ऑफस्टंपच्या बाहेर, पंचाचा वाईटचा इशारा होते, अलग अलग अंदाज रहते अंपायर के भी। उमेश ऑन साइडला उडवला आहे काऊ कॉर्नरच्या डोक्यावर, शतरक्षक आहे तिथे, प्रयत्न फक्त प्रयत्न पाहायला मिळाले, चेंडू सीमापार, षटकार, संदेश केने होते तिथे। अच्छा स्ट्रोक वहां पर इस वक्त बल्लेबाज अनस के बल्ले से आता हुआ, और इसी तरह की बल्लेबाजी की जरूरत भी है एमएससी नागा को, क्योंकि जो टारगेट है वो 132 रनों का टारगेट है। अशाच प्रकार से फटके मारावे लागतील, सूरज ने ज्या प्रकारे आक्रमण केलं होतं त्याच प्रकारचं आक्रमण करावा लागेल। हा ऑफ स्टंपर चेंडू होता, ऑफ स्टंपच्या बाहेर वाईटचा इशारा पंजाबच्या माध्यमातून, विकेट कीपर मेघनाथ केने, 2 बंधू नक्कीच रिद्धी सिद्धी काले टीम संघामध्ये खेळताना तुम्हाला पाहायला मिळते, संदेश केने आणि मेघनाथ केने। जेव्हा जेव्हा जय बजरंग गुडसे बी संघ जेव्हा जेव्हा खेळतो तेव्हा दोघे बंधू एकाच टीममध्ये खेळतात, आणि आज देखील BC4 फॉर्मॅटमध्ये देखील दोन्ही बंधू खेळताना तुम्हाला पाहायला मिळतात। क्या बात आहे, ताकद लावली जात आहे, मात्र सीमा पार कव्हर करू शकले नाहीये। सुंदर अशी झेल पाहायला मिळतं, जीत याच्या माध्यमातून विकेट मिळतंय उमेश तरी या गोलंदाजाला। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी और उसको खींच कर मारने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने, लेकिन अपना विकेट गंवाते हुए इस वक्त अनस अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से गेंदों को मिडल भी कर रहे थे और एक सिक्सर भी लगाया था उन्होंने। त्रिशूल, नए बल्लेबाज त्रिशूल ठाकरे। तो पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 2 विकेट गंवाने के बाद रन बने हैं अब तक 10। पहिल्या षटकाची समाप्ती धावा धाव पलकावर लागलेल्या आहेत, त्या म्हणजे 10 धावा 2 विकेट नक्कीच इथे पाहायला मिळाले उमेश तरेच्या माध्यमातून। विकेट टेकर गोलंदाज उमेश तरे, गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन जयन खान आला, पाहूया आज टार्गेट देखील चांगला सेट केलेला आहे, ज्या वेगवान गतीच्या गोलंदाजाने वळखला जातो ती गोलंदाजी पाहायला मिळेल की मातीच्या विकेटवर आपला अंदाज वेगळा असेल। नवीन फलंदाज त्रिशूल ठाकरे, पडग्याचा टायगर मैदानाच्या आतमध्ये। समय के बारे में ध्यान रखना जैन। हा चेंडू ड्राइव केला, चेंडूला वाइड अप लॉन्गावर शतरक्षक चेंडू पर्यंत आला, एक सिंगल धाव, सिंगल से कुछ नहीं होने वाला,
जी बिल्कुल, यहाँ से सिंगल से काम नहीं बनने वाला है, हर गेंद के ऊपर बड़ा हिट लगाना होगा एमएससी के बल्लेबाजों को। ओवर नंबर दो का खेल शुरू हो चुका है, गेंदबाजी में जैन खान। जैन राइट आर्म ओवर द विकेट। ओहो, अतिशय सुरेख चेंडू, अवस्थेचा अपील देखील केला होता, डॉट चेंडू। नक्की चालू हंगामाला जेव्हा सुरुवात झाली क्रिकेटला तेव्हा त्रिशूलचे स्टेटस बघण्यासारखे होते, कारण की प्रत्येक स्पर्धेमध्ये खूप चांगला फॉर्म राहिला त्याचा। मात्र BC4 फॉर्मॅटमध्ये MSC नायगाव टीममध्ये खेळताना पाहूया तो फॉर्म आपल्या संघासाठी किती चांगला असेल, कारण की पहिला चेंडू खेळला आहे तो देखील डॉट। राईट आर्म ओवर द विकेट। हा चेंडू ड्राईव्ह केला आपण पाहतोय, क्षेत्ररक्षक भरपूर दूरून आले चेंडूपर्यंत, कवरचा क्षेत्ररक्षक एक्स्ट्रा कवर क्षेत्रामध्ये चेंडूला फील करतोय, एक सिंगल धाव कंप्लीट। देखना अब यहाँ से कैप्टन खुद क्रीज पर मौजूद है, कैप्टन नॉक खेलनी होगी वहां पर असरार अंसारी को। असरार याला मोठे फटके खेळावे लागतील, षटकार आणि डील करावी लागेल। राइट आर्म ओवर द विकेट। ओहो, डांडी गोल केली आहे असराजाचा विकेट घेताना झैन खान। मोस्ट वेलकम आमचे परम मित्र, पहिली ते सातवी पर्यंत आमचा प्रवास नक्कीच NJ टॅटोस आपण पाहतोय, नरेश जोशी यांचं या मुख्य व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे, आपलं हार्दिक स्वागत आहे। मित्रांनो, तुम्हाला जर टॅटोस जर काढायचे असेल तर नरेश जोशी NJ टॅटोस यांना आपण संपर्क साधा। सध्याच्या घडीला भरपूर चर्चेमध्ये बेस्ट बॅट्समॅन आणि बेस्ट बॉलरच्या ट्रॉफीज देखील त्यांच्या माध्यम देण्यात आलेल्या आहेत, आपलं हार्दिक स्वागत आहे। नक्कीच त्यांनी आम्हाला देखील ऑफर केलेली आहे टॅटोची, आम्ही नक्की एक दिवस भेट देऊ त्यांना। बारा धावा धावपाल काबर, मिराज जैन राईट आर्म ओवर द विकेट। समोर केलेले आहे क्षेत्ररक्षक आहे, तिथे फक्त एकच धाव मिळेल। भरपूर वर्ष सातत्याने BNDL संघासाठी खेळला मिराज, मात्र आज MSC नायगाव मध्ये आपण पाहतो त्याला खेळताना। त्रिशूल पाहूया काही नवीन रेकॉर्ड बनवण्याचं काम करतोय का या स्पर्धेमध्ये, प्रयत्न तेच दिसत आहेत। मात्र समोरच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक आहे, तिथे फक्त आणि फक्त सिंगल धाव मिळत आहे। बॉडी लँग्वेज एकदम मजबूत आहे क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाची, कारण की गोलंदाजी तितकीच चांगली पाहायला मिळत आहे। दोन षटकाची समाप्ती, धावसंख्या 14 धावा धावपालिकावर। नक्कीच पाहायला विसरू नका मित्रांनो, यानंतर घरच्या मैदानावर वॉल ऑफ भादवर करेश म्हात्रे आणि वंडर ऑफ भिवंडी जगदीश नाईक याचा क्रिकेट पाहायला मिळेल। यानंतर सबसे बड़ा मुकाबला आज के दिन का, वंडर ऑफ भिवंडी जगदीश नाईक, पिंटू पाटील, विश्वजीत नाईक, उमेश नाईक, विशाल भुईर एका बाजूला, नक्की चांगली साइड आहे, आणि दुसऱ्या बाजूला करेश म्हात्रे, गिरीश पाटील, होल्डर ऑफ वडुनवकर, रफ्तार के सौदागर गोलंदाज नक्कीच एका बाजूला आहे। सुभाष ठाकरे, महेश ठाकरे संघामध्ये आहेत, नक्कीच सामना रंगतदार पाहायला मिळेल। सुरुवात डॉट चेंडूने केल्या, गोलंदाज कोण आहे तर जीत पाटील। याच खेळपट्टीवर जीत पाटील याचा रेकॉर्ड मित्रांनो आमदार चषकामध्ये राहिला होता, रेकॉर्ड ब्रेक। नक्कीच गोलंदाज विकेट टेकर आहे, तो रेकॉर्ड नक्कीच या चेंडून नंतर आम्ही नक्कीच सांगू इच्छितो, कारण की मोठ्या मोठ्या गोलंदाज जेव्हा गोलंदाजी करतात तेव्हा तेव्हा रेकॉर्ड देखील सांगणं गरजेचं असतो। राईट आर्म ओवर द विकेट। पुन्हा एकदा ऑफस्टंपवर हा चेंडू आपल्या पाहायला मिळत आहे, वारंवार पंचांकडे नक्कीच आशेने बघत आहे फलंदाज, मात्र ऑफस्टंपची जी व्हाईटची पट्टी आहे त्याच्या आतमधून चेंडू वळवले जात आहेत। काय गोलंदाजीला सुरुवात केली आहे जित पाटील याने। मित्रांनो, आमदार चषकामध्ये 8 विकेट तब्बल घेतले होते, 2 ते 3 धावा खर्च केल्या होत्या जित पाटील याने, तोच गोलंदाज। पुन्हा एकदा अतिशय सुरेख चेंडू,
मागून घेतली आहे गोलंदाज जित पाटील याने की मी टाकतो या एंडने, आणि याच एंडने त्याने ती गोलंदाजी केली होती आणि तो रेकॉर्ड बनवला होता। जी बिल्कुल, यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है जीत द्वारा, लगातार तीनों जो गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, और बल्लेबाज हम देख रहे हैं कि पीछा करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन डॉट। जबरदस्त कामगिरी जीत पाटील याच्या माध्यमातून, फील्डिंग देखील क्लास करतो आणि गोलंदाजी त्याहून क्लास पाहायला मिळते। अजून एक यॉर्कर चेंडूचा वापर केला जात आहे, धाव घेतली जात नाहीये। मला वाटतं जय बजरंग चषक 2023 मध्ये देखील रेकॉर्ड बनण्याच्या तयारीमध्ये आहे जीत पाटील याचं, ज्या प्रकारची गोलंदाजी आहे। त्रिशूल्याला एक स्ट्रोक घेणं गरजेचं आहे, अगोदर दबाव आहे संघावर आणि अशा प्रकारे फलंदाजी झाली तर डोकेदुखी नक्की ठरू शकतो। राईट अमोर द विकेट, हे आपण पाहू शकता ऑफस्टंपच्या बाहेर चेंडू निघालेला आहे, पंचांकडून व्हाईटचा इशारा येतोय। थोडंसं निराश देखील होताना बघितलं जीत पाटीलला, कारण की ऑफस्टंपच्या पट्टीच्या बाहेरून चेंडू गेला होता। जीत चांगला निर्णय पंचांच्या माध्यमातून। राईट अमोर द विकेट, अतिशय क्लासिकल ड्राईव्ह पाहायला मिळतोय, सूरज पाटीलचे प्रयत्न पाहायला मिळत आहेत, मात्र गॅपमधून चेंडू सीमापार चौकार। सुरुवात चांगली झाली होती जीत पाटील याची, मात्र त्यानंतर आता एक वाईट आणि एक चौकार, तब्बल 5 धावा खर्च झालेले आहेत। शेवटचा चेंडू आहे, आखरी गेंद बची आहे, धावसंख्या 19 धावा धावफलकावर। राईट आर्म ओवर द विकेट, हा चेंडू देखील आपल्या पाया मिळतो ऑप्शनच्या बाहेर, वाईट सेशन येतो पंतांच्या माध्यमातून। कुठेतरी लेग ब्रेक करण्याचा प्रयत्न आहे, मात्र जास्तच चेंडू कट होत आहेत। हा चेंडू नक्कीच बघण्यासारखा असेल, मात्र तितकंच चांगला चेंडूला खेळला गेला आहे। व्हाईट ऑफ लॉंगापर एक धाव कंप्लीट, दुसरा धाव घेण्याचा प्रयत्न, दोन धावा कंप्लीट, षटक देखील कंप्लीट होत आहे। तीन षटकाची समाप्ती धावा धावफलकावर, 22 धावा येणाऱ्या तीन षटकामध्ये काय होईल ऐकूया मजर खान यांचा आवाज। खूप खूप धन्यवाद भिवंडीकर संदेश पाटील। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और स्कोर अब तक बना है सिर्फ 22। अब यहाँ से 3 ओवर में जो रन चाहिए जीतने के लिए 110 रन चाहिए। जिस तरह से सिक्के के दो पहलू रहते हैं उसी तरह से यहाँ पर क्रिकेट की ये दो पहलू, जहाँ पर सिक्के के एक पहलू में एमएससी के गेंदबाज रन खा रहे थे, दूसरे सिक्के के पहलू में हम देख रहे हैं कि रिद्धि सिद्धि के गेंदबाज कमाल की गेंदबाजी करते हुए। 110 रन अब यहां से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। गेंदें बची हुई 18, हर गेंद के ऊपर सिक्सर लगाना होगा। गेंदबाजी में इस वक्त सर्वेश आते हुए, जबकि सामना करेंगे मेराज। मेराज एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज, अभी भी याद है कि चैलेंज ग्राउंड पर बी इंडियन से खेलते हुए मेराज और आमिर अंसारी ने 100+ पार्टनरशिप की थी और अर्धशतक लगाया था मेराज ने। और ये देखिए इस बार वहां पर लॉफ्ट कर दिया और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। इसी अंदाज में बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं मेराज। सुरुवात चांगली केली आहे, मात्र सलामीला आला असता तर नक्कीच कुठेतरी या धावा ज्या आहेत चेस करण्याच्या मार्गावर असते, मात्र सध्या मॅच भरपूर दूर आहे, मिशन अवघड आहे मजर खान। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा रन चाहिए यहां से अभी भी, लेकिन कोशिश यहां पर बल्लेबाज कर रहे हैं। फिर से ये गेंद भी जाएंगी बाउंड्री के बाहर, बैक टू बैक दो गेंदों पर दो सिक्सर आते हुए मेराज के बल्ले से। सूरज पाटीलच्या रेकॉर्डला बरोबरी करेल ज्या प्रकारे सुरुवात केली आहे, दोन चेंडूमध्ये दोन षटकार मिराज याच्या माध्यमातून पाहायला मिळत आहे। बिलाल देखील विचार करत असेल की धावा खूप चांगल्या आहेत, गोलंदाज कुठेतरी रिद्धिसिद्धी काले टीम संघाला सपोर्ट करत नाहीये। गोलंदाजी जी आहे चांगली गोलंदाजी होणं गरजेचं असतं, प्रत्येक चांगल्या खेळाडूचं स्वप्न असतो। एक बार फिर से बड़े हिट की तरफ गए थे वहां बल्लेबाज, लेकिन इस बार अच्छी लाइन के ऊपर गेंद रही थी वहां गेंदबाज सर्वेश की। अच्छा कमबैक देखने को मिलता हुआ, डॉट गेंद, इस बार कोई रन नहीं। फिर से देखना वहां पर, इस बार काउ कॉर्नर की दिशा में खेल दिया और आउट,
विकेट गिरता हुआ और मेराज की पारी समाप्त। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, दो सिक्सर भी लगाए थे अपनी इनिंग में, एक बार फिर से बड़े हिट की तरफ गए थे, लेकिन इस बार बेहतर टाइमिंग नहीं रही और अच्छा कैच इस वक्त समाप्त करते हुए सूरज पाटिल। सूरज पाटिल ने आज बल्लेबाजी में तो कमाल ही कर दिया है, 61 रनों की बहुत ही बेहतरीन पारी उन्होंने खेली है और इस सीजन का फास्टेस्ट अर्धशतक लगाया है। नए बल्लेबाज अबरार डीओ, जी बिल्कुल, अगला जो मैच रहेगा वो तो गजब का मैच रहेगा, जॉय कुमार और जय दुर्गा बी के बीच में मुकाबला। और धीरे धीरे अब हम देख रहे हैं कि दर्शकों की तादाद भी बढ़ती हुई, क्योंकि जो टीम है जय दुर्गा बी अपने होम ग्राउंड पर खेलने जा रही है, वाइट इस बार रही है और सामने हम देखेंगे कि करेश मात्रे रहेंगे, तो अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा दर्शकों को। इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में इस गेंद को खेल दिया वहां पर बल्लेबाज ने और बेहतरीन कैच, उमेश तरे वहां पर मौजूद और अबराडियो की पारी यहां समाप्त। बिल्कुल एक तरफा ये अब मुकाबला चलता हुआ, हालांकि अच्छी कोशिश कर रहे थे मेराज, लेकिन अब वो भी आउट होकर वापस गए। अब नए बल्लेबाज आते हुए अकिल, आज अकिल के खिलाफ भले एक रिकॉर्ड बनाए लेकिन इसी ग्राउंड पर उन्होंने एक बहुत ही अहम पारी, एक महान पारी खेली है जय दुर्गा स्पोर्ट्स के सामने, एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज अकिल, लेकिन आज गेंदबाजी में महंगे साबित हुए हैं। लेकिन अब बल्लेबाजी आई है, कुछ ना कुछ करना होगा, और वो कहते हैं ना संदेश कि तुम्हें दर्द दिया है दवा भी तुम ही देना। ऑन दी अप इस गेंद को खेल दिया वहां पर, देखना संदेश वहां मौजूद है, सिंगल रन इस गेंद के ऊपर पूरा करते हुए, तो ओवर की समाप्ति हुई है, चार ओवर की समाप्ति और स्कोर अब तक बनाया है एमएससी नायगांव ने 36। गेंदबाजी में अब आते हुए संदेश केने, बल्लेबाजी में तो बहुत ही बेहतरीन पारी खेली उन्होंने, 34 रन बनाए और अब गेंदबाजी के लिए आते हुए संदेश केने गोलंदाज। ऐसा लग रहा है कि आखिरी ओवर जो है सूरज पाटिल भी कर सकते हैं जो ग्रामिंग के लिए करते हैं। जी बिल्कुल, हो सकता है या फिर बिलाल शेख खुद आ जाए गेंदबाजी के लिए। संदेश की पहली गेंद वहां पर फुल टॉस गेंद, क्रॉस दी लाइन खेल दिया इस गेंद को और अच्छी फील्डिंग, धीमे कदमों से एक रन इस गेंद के ऊपर पूरा करते हुए, फुल टॉस गेंद थी और काफी जोर लगाकर इस गेंद को खेला था वहां बल्लेबाज अकिल ने, कॉक कॉर्नर की दिशा में वहां पर सर्वेश मौजूद है और अच्छी फील्डिंग होती हुई इस गेंद के ऊपर, सिंगल रन इस बार स्ट्राइक पर है त्रिशूल ठाकरे। इस बार देखना है गेंद हवा में है, गेंद के नीचे खिलाड़ी आते हुए और त्रिशूल ठाकरे की पारी समाप्त, विकेट भी अब हासिल कर लिया है संदेश केने ने, तो सब कुछ इस वक्त करते हुए संदेश केने पहले बल्लेबाजी में कमाल कर दिया, अब गेंदबाजी में विकेट हासिल करते हुए। और जब मुकाबला संदेश पाटिल खत्म हो जाएगा तो हमारे स्कोरर काफी कंफ्यूज रहेंगे कि मैन ऑफ द मैच अब किसको दे, सूरज पाटिल को या फिर संदेश को, क्योंकि संदेश भी अब विकेट एक ले लिया और अभी भी कुछ गेंदें बची हुई है। नक्कीच दोन ते तीन विकेट जर घेतले तर नक्कीच थोडंसं कन्फ्यूज होईलच स्कोरर, कारण की आमचे एक्सपर्ट स्कोरर आहेत राकेश भोईर। नए गेंदबाज जावेद, देखिए संदेश एक चीज मैं कहूंगा कि जावेद ने गेंदबाजी में 12 रन खर्च किए थे तो दूसरा ओवर उनको क्यों नहीं कराया गया था।
आते ही साथ वहां पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस गेंद को खेल दिया है। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है एमएससी नागांव के लिए। आउट हो गए वहां पर बल्लेबाज जावेद। नक्कीच मजर खान, यानंतर जो सामना होणार आहे टेमगरगावचे समर्थक देखील भरपूर मोठ्या संख्येने उपस्थित असतील, खास करून पाहायला विसरू नका मित्रांनो। जॉयकुमार टेमगर संघाचे MD नरेश चौधरी हे देखील थोड्या वेळात काही क्षणांमध्ये त्यांचं देखील आगमन होईल। मात्र या मुख्य व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे, ज्यांच्या माध्यमातून सन्मान चिन्ह देण्यात आलेलं आहेत। आपण पाहुण्यांचा जो सन्मान वाढवतोय, माननीय श्री प्रल्हाद नाईक साहेब यांचं आगमन झालेलं आहे या मुख्य व्यासपीठावर, आपलं हार्दिक स्वागत आहे। नॉन स्ट्राइक पर इस वक्त आए हैं प्रेम और सामना करने जा रहे इस वक्त अकिल। इस बार बैठक स्ट्रोक लगाने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज ने, डॉट गेंद ये होती हुई। नक्कीच नरेश चौधरी एक जबरदस्त ऑर्गनाइज आहेत, जॉयकुमार ट्रॉफी मध्ये भरपूर मेहनत घेतली होती त्याने। इस बार चॉप कर दिया इस गेंद को, अच्छी गेंद रही थी, वाइड यॉर्कर रहा था, चॉप करते हुए एक रन इस गेंद के ऊपर, सिंगल डबल में अब रन बनने लगे। वन साइडेड मुकाबला ये चलता हुआ, लेकिन इसके बाद एक बड़ा मुकाबला दर्शकों को देखने को मिलेगा। इस बार अपने आप को रूम देकर इस गेंद को देखना है, वहां पर खाली क्षेत्र में ढकेल दिया और ये गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर चार रनों के लिए। षटक कंप्लीट झालेला आहे, चेंडू सीमा पार चौकार गेला होता, अजूनही तिघांची मीटिंग चालू आहे की चेंडू कोण आणणार आहे। और ये देखिए अब ऐसा लग रहा है बिल्कुल कैप उतार दिया है बिलाल शेख ने, और गेंदबाजी के लिए आते हुए बिलाल शेख अब गेंदबाजी के लिए। नक्कीच बॅट मधून काही आपल्या संघासाठी करू शकले नाही, मात्र गोलंदाजी देखील करू शकतो आणि बिलाल गोलंदाजीसाठी आलाय। जी बिल्कुल, पहिले भी बिलाल शेख गेंदबाजी कर चुके महेंद्रा स्पोर्ट्स के लिए और हंसिका स्पोर्ट्स के लिए खेलते हुए काफी गेंदबाजी की है उन्होंने। बिलाल शेख पार्ट टाइम गेंदबाज है, लास्ट ओवर लेकर आते हुए सामना करेंगे वहां पर अकिल। लास्ट ओवर का खेल शुरू होने जा रहा है। पहली गेंद वहां पर बिलाल की, देखना है क्या कुछ हो पाता है इस गेंद के ऊपर। व्हाइट पहला चेंडू भरपूर वेगान टाकला मजर खान, काफी रफ्तार थी गेंदबाजी करते हुए बिलाल शेख। इस बार फुल टॉस गेंद मिली और ये गेंद जाएंगी डीप स्कोर लेग के ऊपर से छह रनों के लिए। बहुत बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर अखिल के बल्ले से आता हुआ। तुम्ही ने दर्द दिया है दवा भी तुम ही देना। बिलाल शेख एक बार फिर से गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए, बहुत ही बेहतरीन सिक्सर लगाया था पिछली गेंद के ऊपर अकिल ने। फिर से वहां पर बहुत ज्यादा सफल होकर खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद की जो लाइन थी बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ। व्हाइट इस ओवर में दूसरी वाइड गेंद की है बिलाल शेख ने, और ये देखिए सब कुछ देखने को मिल रहा है जबकि विकेट कीपिंग पे इस वक्त है जीत पाटिल। बहुत कम बार ये देखने को मिलता है, लेकिन इस मैच में सब कुछ देखने को मिलता हुआ। और इस बार ये देखिए जैन खान ने एक बहुत ही खूबसूरत कैच समाप्त किया और अब बिलाल शेख ने भी विकेट हासिल किया है। और नए बल्लेबाज अब आते हुए बबलू, ये अच्छा बैटल रहेगा।
क्योंकि बबलू और बिलाल के बीच में बहुत ही गहरी दोस्ती है, ये अच्छा बैटल रहेगा। यहाँ से कड़क चाय ले सकते हो लोग बाहर। बिल्कुल, यहाँ से सीधा वो जाएंगे आर के फ्री हिट पर, आते ही साथ वहां पर देखना है गेंद हवा में है, गेंद के नीचे खिलाड़ी और आउट हो गए वहां पर बबलू। ये जब से मोबाइल आए हैं ना बड़े बड़े, तब से कोई छोड़ रहा नहीं हो मोबाइल को भी। क्या जुबेर 6 में 6 मारेंगे? तो गेंदे कितने बची है हमारे स्कोरर? 3 गेंदे बची है। 81 रन चाहिए, 81 रन चाहिए। क्या होंगी कोशिश करेंगे यहाँ पर जुबेर? जी बिल्कुल, कुछ तो सम्मान बनाए रखना होगा वहाँ बल्लेबाज को, कम से कम एक सिक्सर तो लगाना होगा। और ये देखिए बाउंड्री लगा दी, नॉन स्टॉप गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए, बाय के रूप में ये 4 रन आए है। विकेट कीपिंग पे इस वक्त जीत पाटिल और संदेश कहने थोड़ा सा नाराज नजर आ रहे क्योंकि संदेश एक जुझारू खिलाड़ी है, भले एक तरफा मुकाबला चल रहा है लेकिन उनको पता है क्रिकेट किस तरह से खेला जाता है। एक बार फिर से वहां पर देखना, इस बार अच्छी फील्डिंग रही है और आउट हो गए वहां पर बल्लेबाज प्रेम। तो इसी के साथ ऑल आउट सभी बल्लेबाजों को बैटिंग मिली है यहाँ पर MSC के। तो इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है।